नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जरूर जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के अंदर एक ऐसा नाम है जिसे शायद कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना करी थी और इस कल्पना को साकार किया था, और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा उनके गुरु आचार्य चाणक्य को जाता है, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे हीरे को पहचाना और उसे तराश करके भारत को समर्पित किया, जिसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकत्र किया और साथ ही साथ पूरे भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचा करके रखा। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हालांकि मुझे ये बात इस वीडियो में नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में भारत की राजनीति के अंदर जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर जातियों का सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर आप लोग भारतीय इतिहास और साथ ही साथ बौद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब आप लोगों को ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे और क्षत्रिय वंश से उनका संबंध था। दोस्तों, अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में मौर्य लोग खुद को OBC के अंदर शूद्र कहते हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक व्यक्ति जिसने पूरे भारत को एकत्र किया और भारत को एकत्र करके अखंड भारत का सपना पूरा किया, तो वहीं पर उसी समाज के व्यक्ति आज खुद को शूद्र और OBC कहने लगे हैं। दोस्तों, हालांकि OBC का अर्थ कहीं पर भी शूद्र नहीं होता, वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो OBC का मतलब सिर्फ और सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट है, जिसका अर्थ होता है कि वो जातियां जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से थोड़ी पिछड़ी रह गई। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से यहां पर एक बात पूछना चाहता हूं कि एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने पूरे भारत को एकत्र किया और वहीं पर आज 2400 सालों के बाद क्या कोई भी एक ऐसा मौर्य नेता नहीं हो सकता जो पूरे भारत को एकत्र करे? शायद आज के समय में ये बात पूरी तरह से संभव लगती है कि आज के समय में कोई भी ऐसा मौर्य नेता नहीं है। दोस्तों, आप सब लोगों ने भारत के इतिहास में नंद वंश का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग नंद वंश की जाति भी देखेंगे तब आप लोगों को नंद वंश की जाति भी स्पष्ट तौर पर मालूम हो जाएगी। मैं यहाँ पर उन दोगले लोगों और नेताओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अगर जातिवाद होता तो शायद आज से 2400 साल पहले ये लोग राजा नहीं बने होते। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतनी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कभी भी अपनी जाति को प्राथमिकता नहीं दी और ना ही उस समय जाति को प्राथमिकता दी जाती थी। अगर कोई प्राथमिकता मिलती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर जो छोटी छोटी जातियां हैं उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी तरह से खत्म कर लिया और सिर्फ जातियों को महत्व दिया। नहीं तो 2400 सालों के बाद क्या कोई ऐसा मौर्य नेता नहीं हो सकता जो भारत का प्रधानमंत्री बने, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हो? लेकिन शायद नहीं बन सकता। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित राजनीति, और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में मौर्य लोग सिर्फ और सिर्फ 4 से लेकर के 5% है। यही कारण है कि इन्हें OBC के अंदर तो रखा जा सकता है, लेकिन ये अपनी बदौलत कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि जो जातियां छोटे छोटे समूहों में हैं उन्होंने कभी भी ज्ञान को प्राथमिकता नहीं दी। यही कारण है कि एक समय पर जिन लोगों के पूर्वज भारत के अंदर राज किया करते थे, आज वही लोग भारत के अंदर सबसे निचले पायदान पर चले गए हैं, और ये कहा जाए कि एक तरह से वो लोग अपने गौरव को खोते जा रहे हैं, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं होगी। भारत के अंदर अगर छोटी छोटी जातियां अपना विकास चाहती हैं और अपने खोए हुए गौरव को वापस पाना चाहती है तो उन्हें ज्ञान और धर्म की राजनीति करनी पड़ेगी, जो कि एक समय पर उनके पूर्वजों ने की थी। अगर वो इस बात को सोचते हैं कि वो जाति और जनसंख्या की राजनीति करके खुद को आगे बढ़ा लेंगे तो शायद ऐसे में कुछ नेताओं का तो विकास जरूर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उस समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि
आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपी के अंदर किस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारी है और लमसम जाति के नाम पर उन्हीं की सरकार बनती है। बिहार के अंदर किस जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारी है? दोस्तों पूरे भारत में यही हाल है। जिस राज्य के अंदर जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है लमसम उन्हीं की सरकार बनती है और शासन प्रशासन में उन्हीं का दबदबा रहता है। अगर भारत की छोटी छोटी जातियां अपना विकास चाहती हैं और अपने आप को अपने आने वाले समय में अच्छा और अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा से जीवित करना चाहती है तो उन्हें ज्ञान और धर्म की राजनीति को एक बार फिर से बढ़ावा देना होगा।